कांग्रेस ने महंगाई पर मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई। कांग्रेस ने इस रैली के जरिए बीजेपी पर कई बड़े प्रहार किए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी मुश्किल और दर्द में है। पेट्रोल, गैस, तेल, दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस राज में इतनी महंगाई नहीं थी। हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। 70 सालों में कांग्रेस ने देश को इतनी महंगाई कभी नहीं दिखाई। विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को हर हाल में जागना होगा। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान आटे की महंगाई को लेकर किलोग्राम की जगह लीटर शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद से बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। रमन सिंह और बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर ट्वीट कर निशाना साधा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम बघेल ने कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर और किसानों के हक में फैसला लेती है। हमने किसानों का ऋण माफ किया तो बीजेपी इसे रेवड़ी कह रही है, लेकिन मोदी सरकार तो उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपयों का ऋण माफ कर रही है। ये रेवड़ी नहीं, रबड़ी है। महंगाई पर मोदी सरकार के खिलाफ सीएम बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने सीधा हमला सीएम बघेल पर किया और कहा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस को महंगाई पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार तब तक नहीं है जब तक केंद्र सरकार के बराबर डीजल पेट्रोल के दाम में केंद्र के बराबर कटौती नहीं कर देते। राज्य 2021 और 2022 दोनों को मिलाकर केंद्र ने डीजल का दाम 17 रुपये और पेट्रोल का दाम 14 रुपये 50 पैसे घटाया। वही भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में डीजल की कीमत में मात्र 1 रुपये 45 पैसे और पेट्रोल की कीमतों में मात्र 90 पैसे प्रति लीटर की कमी की। राहुल गांधी ने हल्ला बोल रैली में आटे के मापक को किलोग्राम की जगह लीटर में बोल दिया। राहुल गांधी के इस भाषण पर ट्विटर पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। रमन सिंह ने लिखा कि BHEL से मोबाइल बनाने वाले राहुल बाबा अब आटा लीटर में ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ऐसे महान ज्ञानी के ही मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। नारियल से पानी की जगह जूस निकालने और आलू से सोना बनाने के बाद आज शहजादे आटे को लीटर लेने की बात कर रहे हैं। गनीमत है कि किलोमीटर में लेने की बात नहीं की। आज हम मान गए कि कांग्रेसी बहुत सहनशील है जो राहुल जी का नेतृत्व सहन कर रहे हैं। रमन सिंह ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। रमन सिंह ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस को विधानसभा में बहस करनी चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में क्या हालत थी इसके बारे में बात करनी चाहिए। रमन सिंह के इस बयान पर बीजेपी छत्तीसगढ़ ने ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कांग्रेस शासनकाल की खूबियां गिनाई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भोजन का अधिकार, मनरेगा और कर्ज माफी जैसी नीतियों से 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। भाजपा सरकार ने अपने शासन में 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में धकेल दिया। भाजपा राज ने तरक्की का अधिकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को दे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।